रीम बसमिल्लर रही तमाम देखने वालों को हमारी तरफ़ से असलकुम आप इस वक्त देख रहे हैं कुंडे बाइस रजब नज़र नियाज ऑन सूफ़ी गाइडेंस चैनल यूट्यूब आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे होंगे दो मट्टी के प्यालों में खीर और पूरियाँ जो मट्टी का ये बर्तन हैं इसी नस्बत से इसका नाम कुन्डे रखा गया कहा जाता है रिवायात हैं कि ये हज़रत इमाम जाफ़र सदकाम से इनकी रिवायत है और ये वहाँ से चले हैं उनकी मन्नत मानी जाती है एक चीज़ में इस बारे में जो है वो कहता चलूँ उसके बाद फिर मैं जो है हम बायदा आगाज़ करेंगे कि जितने लोग बैठे हैं देख रहे हैं वो सब शामिल हों और इसका तरीक़ाक ये होता है कि कोई भी मन्नत आप मान सकते हैं और वो उस के लिए आप पूरी बनाते हैं खीर बनाते हैं घर में और एक कहानी है एक मुआजा है वो पढ़ा जाता है और उसके बाद फिर दुआ की जाती है ये एक इसका तरीक़ार है और इसमें जो है ऐसे कह लें कि ना नहीं होती लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी सफ़ाई सुथराई एहतमाम अदब एहतराम इसका भी लाजमी ख़याल रखा जाए क्योंकि ये इमामों की बात है और इमामों के मामले में जहाँ ना नहीं होती वहाँ माफ़ी भी नहीं होती तो, तो ये एक चीज़ है।, है तो इसी के साथ बाकायदा आगाज़ करते हैं मेरे साथ है हमारे तलद भाई जिन्हें हम ट्वेंटी एट का बुज़ुर्ग भी कहते हैं बहुत ही लवली और साथ हमारे हैं शाह साहब शाह साहब तलब भाई अलक्म क्या क्या उज़बिल्ल मैतरजीम बिमिल्लान शाह मरदा शेर यज़दा कुत परवर दिगार लाफत लाई ला सैफुल्लाह जोल फकार मेरी तरफ से सब देखने वालों को तलत भाई अस्सलामुअलैकुम वालेकुम वालेकुम पहले मैं थोड़ा सोचा मुझे बोल ने अच्छा। पहली दफा आप बैठे हैं हमारे साथ हमारे इस नए स्टूडियो में और मैं एक बात बता दूं कि ये इनके हाथों का बना हुआ है ये माशाल्लाह जबरदस्त बना है खून मत जाइए खून है मेरे को लेकिन कैसा लग रहा है क्योंकि आप उस टाइम पे भी तलब भाई होते थे जब नीचे शाह टेबल पे जो है वो कपड़ा वगैरह और जो पहला सेटअप क्या है पहले पहला, पहला, पहला सेटअप इस 28 में अलबत् थर्टी वन में भी कुंडे की है आ, हर साल रहे हैं साथ साथ रहे ठीक साथ साथ रहे और, साथ और अब यह मैं तकरीबन तकरीबन दस साल 10 साल दस ग्यारह साल हो गया क्या बात बड़ी लंबी इंक कह रहे हम जी और बड़ा आ, yeah, अच्छा अच्छा टाइम गुजर रहा रहा है yeah. तो 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 है है सही और लाइव बहुत लग क्योंकि लेकिन में जैसे में। आप कह रहे हैं कि दस साल दस साल और अब इधर आके इस जगह पे कैसा मतलब फर्क क्या देख रहे हैं आप पहले में और अब में पहले स्टार्ट था तो सॉरी पहले हाँ। स्टार्ट था आराम से बैठ जाए तसल्ली तो से हम भी बैठे हुए आराम माइक आगे कर ले पहले आ, स्टार्ट था आस्ता आस्ता सफर तय करते रहे जी तो ट्वेंटी एट में आके बहुत अच्छा लगा काम चलता रहा चलता रहा लेकिन अब तो माशा वोशा बात कर रहे थे कि बहुत आगे हैं माशा काफी काम हो चुका है हो रहा है काफी आगे निकल चुके निकल स्ट्रीम बता रही होगी हम बहुत यानी के यानी कि पकड़ तक तो वैसे ही कोई नहीं पकड़ सकता था अब लेकिन हम वैसे ही जो है बहुत आगे चले गए अब ज्यादा ये, ये करीब से निकल के खेल रहे हैं <laughs> करीब <के laughs> से निकल के शौकी क्योंकि शॉट जो है ना वो या ना तो शॉट अच्छी लगा रहे हमें सारा कुछ ठीक है बहुत जबरदस्त माशाल्लाह स्पेसिफिकली जो ये स्ट्रीम है ना जो आज देख रहे हैं थ्री स्प्लिट स्क्रीन ये कल हम बैठे हुए थे और ये हम ऐसा समझे नहीं कि वो एक्सट्रीम लिया है तमाम ये चीज है ये आज ही शुरू किया ये आज ही शुरू किया है मैंने कहा भाई आ रहा तलत भाई आ रहे हैं तो स्प्लिट स्क्रीन होनी चाहिए थ्री पार्ट में और कुंडे हर स्क्रीन में नजर आने चाहिए पीछे तो कहीं ना कहीं आपको कूडो की झलक नजर आ रही है खीर तो मेरे सामने नजर आ रही है खीड़ मेरे पीछे भी नजर आ रही है तो ये चीज है लेकिन आप जो कह रहे थे ना कि क्रीज से निकल के एक बात याद रखें कि क्या कहते हैं बॉल भी हमारी है बैट भी हमारे विकेट भी हमारी है और उसकी वो क्या बेल्स आ, बेल्स तक हमारी है और फील्ड पिच अंपायर भी, भी हमारा एम्पायर को हम जेब में रख के फिरते हैं ठीक <laughs> है ये ये कह पूरा खेल ही हमारा है और हम इस खेल के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं इसमें कोई शक नहीं है शक नहीं है और खाली इस गेम के नहीं है ये जो रिवायात वाले गेम है जी 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 जैसे कि कोंडे हो गए नजर हो गए हाजरी हो गए गाजी अब्बास की वो तो अभी तो अभी तक आपने देखी नहीं है अभी जब हाँ, दस्तरखान बिछेगा ना जब आ, और अब आप रंग देखना हो उस हाजरी में अभी तो अभी तो आप लोगों ने कभी तो यानी कि मुझे जो है अभी मैं समझ लो कि कैद से आजाद निकला हूँ ना अभी आजादी मुझे मिली है ठीक है ना तो जब मैं आजाद हुआ हूँ तो फिर आप आजादी आजाद तो मुझे देखा ही नहीं है किसी ने। मैंने ना कहा को देखा था। मैंने कहा कि था। अब गेम जो और है। और है। गे होगी तो फिर आप देखना हाजिरी पता लगेगा हमारे अलावा मैंने बताया वो चीज़ ये क्या क्रीज से क्या बाहर निकल के खेल निकल के खेल रहे क्योंकि वो चीज़ एक बात मैं बता दूं कि रूहानियत में बाउंड uh, पहली चीज़ तो होता नहीं है आदमी लेकिन अगर वो किसी मकसद के तहत बाउंड हो जाता है जी। और फिर वो मकसद काम नहीं करता या वो निज़ाम दस्तूर नहीं बैठता तो फिर वो वो निज़ाम दस्तूर अपनाता है जो उसके अंसेस्टर्स उसके जद अपनाते थे और फिर क्या होता है आदमी क्योंकि एक तरीक़े का नहीं दो तरीक़ों का निज़ाम दस्तूर जानने लगता है बिल्कुल एक तो वो जो उसके जद का था जो उसको आता था पहले से जी। और दूसरा निजाम दस्तूर जो वो उस निजाम दस्तूर को तोड़ के उसने दोबारा अपने जद को तो दो तरफ दो तरफ ही हाँ। दो, दो, दो तरफ से वो जानने लगता है तो हर चीज पर खुली हुई नजर आती है सही और ये मैं एक बात बता बताता कुंडो की मन्नत शहजाद भाई सही कह रहे थे कि इसके अंदर ना नहीं होती मगर गलती की गुंजाइश भी नहीं होती पाक पाकि का ध्यान रखें खीर हजबे तोफीक बना लें और पूरी हंसबे तोफी बहुत सारे लोग अकेले छड़े रहते हैं जी ठीक है ना हमें पता है हमारे साथ उठने बैठने वालों में ऐसे लोग हैं जो छड़े हैं ठीक है ना अगर नहीं बना सकते राइस प्रग एम्ब्रोसिया की ले लें और पूरी बनी बनाई फ्रोजन पराठे भी मिलते हैं वो भी चल जाते हाँ हैं क्योंकि बेसन वो उसके बने होते हैं जी मैदे के होते हैं वो ले लें और चलाएं उसको और ये मुआवजा है हमारे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन uh, में भी है यूट्यूब की फेसबुक के ऊपर भी होना चाहिए पता नहीं या ले, फाइल ले फाइल्स में भी भी है, है और अनाउंसमेंट्स में इसके नीचे है। भी होना चाहिए था याद नहीं रहा लेकिन बाद में कर लेंगे ये बाद में डाल देंगे क्योंकि ये फैस की चीज़ है और दूसरी चीज ये कि क्या कहते हैं उसको हमारे वेबसाइट पे भी है वो डाल लें पढ़ लें सिर्फ यार रख के पढ़ना है ये सारी चीजें तो हमने अपने तरफ से बेहतर से बेहतर करने के लिए की है वरना ये कि एक चादर हो थोड़ा सा अनाज डाल दो हसब तोफीक वरना उसूलन तो ये कि दाल चावल और पालक, पालक, पालक है क्योंकि अनाज भी है और फिर उसके साथ हरियाली भी है खूबसूरती पैदा होती है तो जहाँ पे हरे का तस्कर आता है वहाँ पे मस्जिद मान लो कि अगले साल में दोबारा करूंगा अच्छा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अभी हम खाली मन्नत मान लें यार खीपुरी में कितना खर्चा बना के दे दो खत्म हो गई बात दो प्यालों में ठीक है ना ये चीज है सिर्फ ये ख्याल रखें कि इसके बनाने के लिए बावजूद हर तरह से बंदे को ना मेकश्योर शो, मेक sure होना चाहिए कि बंदा ठीक हालत बंदा ठीक हालत तो फिर जैसे आपने कहा है कि मंजूरी हो जाती है बस उस सारे चीज़ों का ख्याल रखें तो मंजूरी इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें डाउट वाली बात नहीं है इसमें ना नहीं होती हमारे अब्बा कहते और मेरी अपनी आजमाई भी चीज़ है सही हमारे बचपन में तो वालदा जो है हर साल होता था खाला के घर बड़े कुंडे होते थे यानी कि रात भर पकता था तकरीबन सौ दो सौ आदमी कुंडे की नज़र खा के जाता था क्या कहते हैं सुबह दस्तरखान लगता था कुंडे का दोपहर को हाजिरी होती थी हजरत अब्बास की अच्छा पूरा उसी दिन दस्तर दिन ओ, आ... ये फुल फुल आउट होता था कबाब बनते थे आप सोचो कि 100 200 आदमी के कबाब घर में तलना छोटे से किचन में सात पे मंजिल पे, मैंने भाई ये सारे काम करके गुजरा हूं यहां तक बैठा हुआ ऐसे नहीं बैठा हूं सारे काम रात को तीन बजे दूध पैदा करना कराची जैसी जगह में उस जमाने में 90s में पैदा कर दे जब दूध फटा वो पूरे पतीले का ठीक है ना खटास आ जाए उसमें हो जाता है चमचे तक हमारे घर के अंदर इसके जो है वो अलग होते थे चमचा पतीला इसको उठाने वाले जो कपड़े वो सब एक पतीले के अंदर डाल के पाक करके रख देते थे अगले दे दे साल के लिए क्योंकि ये रिवायात में चला जाता है ना खानदान की बिल्कुल अब वो रिवायात पूरी नहीं कर पाती औलाद हम जैसे कितने लोग हैं ऐसे जो वाल वालदा करते थे वो नहीं करते क्यों मॉडर्न टाइम है ना मॉडर्न टाइम है ना लेट्स इट यूट्यूब एंड इट यूट्यूब होता नहीं है ये ये घर के अंदर करने से होता है अपनी जगह में करने से होता है

देखिए हम जांच चादर बिछा दें वो दस्तरखान बन जाए ये ये इतनी तो हमें हम कमांड है दस्तरखान संभालने की ठीक है ना क्योंकि 300 साल से बिछा रहा है दस्तरखान चीज़ ये है कि मैं सोच रहा था कि नीचे करूं ऊपर करूँ क्या करूँ लॉकडाउन है क्या है क्या नहीं है फिर समझ में आया कि नहीं इसको जो मैं ऊपर करूंगा स्टूडियो के अंदर टेबल के ऊपर रख के करूंगा जब हम खाना खा सकते हैं टेबल पे तो दस्तरखान भी बिछा सकते हैं ठीक है ना ये चीज है ये सोचा और मैं बैठा भी बैठी पोजीशन में हूँ जिस तरह जमीन पे बैठता हूँ कुर्सी के ऊपर क्योंकि <laughs> ये ये नजर ब्लू पर आप तो एक कैमरा नहीं छोड़ते बहुत कैमरे लगे बिल्कुल और नाम भी चलेगा नाम भी चलेगा वो तो भूलेंगे ये चीज है और बाकी ये कि क्या कहते हैं उसको आ, मैं सोचा और फिर जवाब तलत भाई को ही आया क्योंकि मैंने इनको पहले बता दिया था कि ये जो है इस चीज़ का ये जो क्या कहते हैं मुआवज़ा है इनकी ज़बानी सुनी जाएगी ठीक क्योंकि ये मैं बात बता दूँ कि किसी को पता हो या ना हो तलत भाई को यह लेकिन ये यकीन है कि यहाँ पर खाली मैं नहीं सुनता और बहुत सारी चीज़ें सुनती हैं अट्ठाईस नंबर के अंदर जहाँ बैठते हैं वहां पे हमारे अलावा भी दूसरी चीजें चलती हैं बहुत सारी मखलूक ऐसे चलती है तो ये चीज है कि तलत भाई फिर मैंने सोचा तो फिर इनको ख्वाब में जवाब आया ख्वाब ये खुद बताएंगे क्योंकि वो मेरी मेरी क्या कहते हैं उसे पेरोल से ऊपर का ख्वाब है मेरी पेरोल होती है ना रूहानियत में मेरी पेरोल है इतना ग्रेड है मेरा लेकिन वो वो उससे मेरे ऊपर पेरोल से ऊपर का ख्वाब है मेरी पेरोल इजाजत नहीं देती कि मैं उस पर कोई ज्यादा बात भी करूँ तभी आपने लाइव भी नहीं बताया कल भी तलब भाई अकेले हम बात तो कर रहे थे अकेले बैठे हुए इधर ये सेटअप जब कर रहे थे तो एक दो बार जिक्र हुआ लेकिन शाह साहब ने बिल्कुल बताया नहीं कि क्या है क्या नहीं तो अब आप बताएं कि वैसे कि ख्वाब में देखा मैंने कि हम मैं और मेरी वाइफ माइक सॉरी हम कहीं जगह पर खड़े हैं तो एक बीबी आई है तो वो फरमाती हैं कि मुझे खोया चाहिए तो मैं ऐसे ही मुड़ाऊँ तो मैंने उन्हें कहा है कि यहाँ से लेफ़्ट कर लें तो आगे जाएंगे तो एक चौक आएगा तो वहाँ आपको वो शॉप मिल जाएगी तो वो कहती हैं कि आप मेरी हेल्प कर दो मैं वहाँ से अभी मुड़ा ही ना उनकी हेल्प के लिए तो देखा कि पीछे ही दो कदम से भी नज़दीक शीशे की शॉप बनी हुई है और उसमें खोया तो मैंने उससे मैंने कहा भी खोया तो हमारे बिल्कुल साथ ही साथ बनी हुई है तो नज़र भी नहीं आ रही थी तो खोए की जब हम देख रहे हैं तो वो बना रहा है वो ऐसे खोया बना हुआ है तो उसके ऊपर ना किशमिश पड़ी है तो साथ वो पूड़ियाँ वगैरह भी पड़ी हैं सारा कुछ तो उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो वो बीबी बैठी हैं तो साथ मेरी वाइफ भी बैठी हैं टेबल और चेयर पर बैठ के वो तनावर फरमा रही हैं उसके बाद आ, मैं वह नज़दीक आया हूँ तो मैंने वो मुझे कहते हैं आप भी बैठ जाएँ तो मैंने कहा कि मैं ना और लेके आता हूँ तो जब मैं और लेने गया हूँ तो मैंने आर्डर दिया तो फिर मेरी आँख खुल गई तो फिर मैंने शाह साहब से तो तब से ये बताया कि मुझे ये ख्वाब आया तो उन्होंने कहा कि ये वो इजाज़त है कि जो मैंने कहा है कि इसको हम टेबल पर अगर कर लें तो ये है तो फिर शाह साहब ने कहा कि ये ख्वाब तो बहुत बड़ी बात है तो शुक्र अल्लाह ताली का पास और बीबी जो थी जो नज़र आई जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली थी वो या गोल करके या बताई नहीं काले लिबास में थी पूरे ऊपर से जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल काले लिबास में थी जब तो मेरे पेरोल से ऊपर की चीज़ है ना मैंने कह दिया था ना कि मेरे पेरोल से ऊपर की चीज़ है वो चादर इस तरह बात थी कि भाई काले चादर थे बड़ा कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ नहीं नजर आता कुछ ना नजर आया कुछ ना नजर आया आप देख ही नहीं सकते आप देख ही नहीं सकते वो इनके पेरोल से बहुत ऊपर यानी <laughs> कि देखना सिर्फ बाकी तो बात की बात है बाकी बात देखना बात। वो इनके पेरोल से बहुत ऊपर की चीज है पेरोल का मतलब होता है आपकी पे स्केल आपका मकाम जा, तक जा, तक आपकी मनाजिल है, है। या वो है कि आप कौन से कैप्टन हो या फौजी हो या मेजर हो ये चीज है कि लेकिन वो देखना ये चीज है ठीक तो ये इसको कहते हैं हमारी तरफ से गाइडेंस एंड इजाजत बिल्कुल ये इजाजत होती है कि हाँ ठीक है यानी कि वो हमारे जबान में जब ऊपर से आवाज आती है बोलते हैं तो कहते हैं कि ऊपर बैठ के कर ले सही बात है सही वो इस तरह अगर बताते तो वो मेरे को पहले बताया था लेकिन ये चीजें बताने ऊपर से ये आगे की चीज़ है ठीक वो बताते रहे कुछ भी लेकिन वो हर काम उनके कहने पे थोड़ी करते हैं हम सही सही बात है फिर तो हम बिल्कुल ही लंबा लेट हो जाए ठीक है ना ठीक ये मसला है ना कुछ काम तो हमारी मर्जी से भी तो होने चाहिए ना और फिर वो जहाँ पे इमामों का तस्करा हो वहाँ पे तो मर्जी हमारी ही चलेगी सही ये मसला है सही अच्छा उन... उस पर आप उनकी नहीं सुनोगे आप वो बड़ा एक बड़ा एक वो एक बिल्कुल अलग वो एक अलग डिपार्टमेंट क्या है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही अलग है ठीक वो अलग ही सब्जेक्ट है सही वो अलग सब्जेक्ट है यानी कि वो बियॉन्ड हमारी अपनी कॉम्प्रहेंशन से बाहर है कैसे कैसे चलता है ये निजाम ये मसला है अब ये बातें है कहाँ किसको समझे कोई समझेगा ये चीज है तो ये कि बाकी चैट में जितने लोग हैं अल्लाह ताला ब्लेस देम और तलत भाई अभी ये हम मोजा सुन के फिर रैप अप होगा ये इतनी ही देर की स्ट्रीम होगी क्योंकि इसके अंदर और कुछ है नहीं करने को बाकी ये कि ए, किसी ने मेरे से व्हाट्सएप पे पूछा है आज कि आप कौन से रंग का कुर्ता पहनेंगे मैंने कहा कि जो पिछले साल पहना था यही कुर्ता पहना तो कह रहे हैं कि क्यों मैंने कहा इसका जवाब लाइव दूंगा मुझे पता है कि लास्ट ईयर मैंने ये कुर्ता पहना था उस वक्त मैं नीचे बैठा था ठीक है ना आज मैं यही कुर्ता पहन के ऊपर बैठा हुआ ठीक है ना तो बेवकूफी कि चेंज, चेंज करूंगा अगले साल भी मैं इसको चेंज करूंगा सही बात ये चीज है अगर आप की नजर देखो मेरी तो एक खास थीम चलती है कुर्तों की क्योंकि रंगों की भी एक इल्म है रंग भी जो है न, कलर एक इल्म है हमारे अब्बा कहते थे रंग लग गए किसी को कहते थे कि रंग लग गए हैं तुझे रंग अगर लग जाए ना आदमी को तो फिर पढ़ाई की भी जरूरत नहीं पड़ती रंग काम करते हैं उसके लिए बड़ी पावर है रंगों में भाई बड़ी पावर है ये चीज है रेनबो इज अ साइन ऑफ रेन स्टॉपिंग होता है ना रेनबो हो गया तो उस बारिश गई धूप आ गई बस वो ये चीज आप अंदाजा करो एक रंग लगे आसमान में और बारिश रुक जाए यस तो सोचने वाली बात है ना हम तो इंसान है वो क्या नहीं कर सकता वो रंग ये मसला है सही तो स्टार्ट आपने कोई बात करनी है तो कर लो तलत भाई से मेरी तरफ से तो मेरी तरफ से इजाजत है ठीक है ना बाकी अब तलब भाई पढ़ेंगे मुआवजा उसके बाद मुआवजा पढ़ते वक्त अगर लेडीज हैं तो सर पे दुपट्टा रख लें एक काम करें प्लीज दुपट्टा रख लें और जो आदमी है वो वैसे ही बैठे टोपी पहन लें या ना करें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो साथ करने वक्त है साथ कर लो तो भी ठीक है इनका मुआवजा भी अगर सुन लेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल अगर ये स्ट्रीम रख लो यानी कि बाद में भी इसको मुआवजा ये इनका मुआवजा सुन लें तो फिर वो भी चल जाएगा लाभ भी नहीं की पढ़ा जाए पढ़ना और सुनना सुनना बिल्कुल दोनों लाभ नहीं है नहीं दोनों अलावे दोनों में में से दोनों में से दोनों से कोई भी घर में एक आदमी पढ़ता है पांच आदमी सुन रहे होते हैं बिल्कुल बीबी पाक का मुआवजा जो है वो सुना जाता है जी ठीक है ना बीबी पाक का मुआवजा सुना जाता है जो सुन नहीं सकते वो पढ़ लेते है अच्छा जो जो पढ़ नहीं सकते वो क्या करेंगे वो सुन लेते हैं सुन लेते हैं यहाँ से सुन लो एक ही बात है ठीक है ना जी ठीक है।, है जी जादत जा? इजाजत है बिस्मिल्लाह 19 दफा पढ़ के दिल में या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अच्छा यहाँ ये माइक ठीक है माइक ठीक है आप हम मौजूदा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किसी शहर में एक लकड़हारा हरा नहायत मफलस व नादार रहता था वह हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फरोहत करके वामुश्क अपना और अपने बच्चों का पेट पालता अफ़लास से तंग आकर एक रोज़ उसने अपनी बीबी से कहा कि बरा रोज़गार बाहर जाता हूँ अजब नहीं कि परवरदगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो ये कहकर लकड़ मुआश की तलाश में दूसरा शहर गया लेकिन बदकस्मती से वहाँ भी तकदीर ने साथ ना दिया हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊँ और बाल बच्चों की ख़बर लूँ लेकिन कुछ ना हो सका इसी फिक्र परेशानी में बारह साल बीत गए उसी सरसे में ना तो उसने अपने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना ही उनकी ख़बर ली लकड़हारी की बीवी अपने हामद के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इस फिक्र में रही कि मेरा खामन खर्च भेजेगा लेकिन जब उसने अरसा तक खबर ना ली और उस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर उसने वज़ीर के महल में जरोबकशी की नौकरी कर ली और अपने और अपने बच्चों का पेट पालने लगे एक रोज़ लकड़हारे ने ख्वाब में देखा लकड़हारी ने ख्वाब में देखा कि वज़ीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि यक मौला आकाए दो जहाँ जन जनाब हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम माँ अपने सहाब के खाना मैसेल खाना वज़ीर में तशरीफ़ लाए हैं आपने अपने सहाब की तरह मतवज़ों को फरमाया आज क्या तरीक़ है और कौन सा महीना है सहाबा ने अर्ज़ किया या मौला आज शब बाईस रजबालमरजब है तब हजरत ने अपनी ज़ुबान मौजद बयान से अर्शात फरमाया कि कोई शख्स कैसी ही मुश्किल में मुबतला हो या ऐसी हाजत ने परेशान कर रखा हो हसब दस्तूर सवा शेर मैदे की पूरियाँ पकाकर दो कुंडों में रख कर हमारे नाम की नज़र बाईस रजत सुबह नमाज से फारिग होकर दलवाए और हक सुबहाना तला की दरगाह में हमारे वास्ते से हाजत तलब करे जिस वक़्त ख्वाब में लकड़हारी ने हजरत का यह कलाम सुना उस वक़्त बसा दिल नज़र करने की नीयत की और बाई रजब की सुबह नमाज से फारग होकर इस नज़र को वफा वफाक जनाब हुक्म जनाब इमाम अलैहिस्सलाम पूरा किया आप जरा के लकड़हारी के शोहर का हाल सुनिए जहाँ तो बाईस रजो रजब जब वक़्त सुबह यह लकड़हारी नजर इमाम जरा आ रही थी और वहाँ लकड़हारा दरहत पर चढ़ा हुआ लकड़ियाँ काट रहा था कि उसके हाथ से कुल्हाड़ी छोड़ कर ज़मीन पर गिरी उसने जो कुल्हाड़ी को निकाला तो दुफीने का शुबा हुआ और उस जगह को उसने खोदा तो मालूम हुआ कि शाही हदाना दफन है उसने उस वक़्त उसको उसी तरह पोचिदा कर दिया फिर थोड़ा थोड़ा लाता रहा और सामान सफ़र तैयार करने लगा और सारे दुफीने को निकाल कर बड़े रफोक से आज़म वतन हुआ आपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बनवाया और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा एक रोज़ लकड़हारे ने अपने लकड़हारी ने अपने शोहर से सरगस बयान की जब हम जब उसने महीने की तारीख और वक़्त बताया तो वहाँ तो वही वक़्त और वही दिन था जब लकड़हारे को दफीना मिला था लकड़हारा भी संदूक दिल सर के दिल से ईमान ले आया एक रोज़ वजीर अजम की बीवी महल की छत पर खड़ी हवाखोरी कर रही थी कि उसको एक आलिशान मकान नज़र आया उसने अपनी किसी कनीज़ों से दरियाफ़त किया कि यह किसका मकान है कनीज़ों ने बताया कि इस लकड़ इस लकड़हारे का जिसकी बीवी जहाँ जारोब कशी पर मुलाजम थी यह सुनकर वजीर अजम की बीवी ने लकड़हारी की बीवी को बुलाया और मफसल हालात दरियाफ्त किए इसने तमाम हालात बयान किए मगर वज़र अजम की बेगम को यकीन ना आया बल्कि दिल में ये ख्याल आया कि इस शोहर ने राहदनी की है जिसकी बदौलत मालदार हुआ है वजीर की बेगम का यह ख्याल फास दिल, दिल में लाना था कि उसी वक्त वज़ी अजम पर मुसीबत आई और वज़रा में एक वज़ीर उसका दुश्मन था उसने मौका पाकर बादशाह से चुगली की कि उसने गबन किया है हजूर आली जनाब इसे तलब फरमाए बादशाह ने उसे बगुरम को बुला कर हसाब तलब किया वज़र आज़म सही हिसाब ना दे सका चनाच बादशाह नाक हो गया वज़र आज़म का सारा समान असबाब ज़ब्त कर लिया और इसको इसकी बीवी को निकाल के बाहर किया वो दोनों भूखे प्यासे चले जा रहे थे कि तरबूज का खेत नज़र आया वज़ी आज़म ने अपनी बीवी से दो धरहम लेकर जो इतफाक़ इसके पास रह गए थे उसका तरबूज खरीद का रुमाल में बांध लिया और किसी जगह इतमान से बैठ कर खाएँगे इतफाक से जिस दिन वजेर अजम पर अताब आया था उसी दिन शहजादी भी शिकार को गया शहजादा भी शिकार को गया था और रात तक वापस ना आया तो बादशाह ने परेशान होकर वजीरों से मशवरा किया कि सारी रात गुजर गई है और अभी तक शहजादा वापस नहीं आया इसी वजीर ने जिसने वजर अजम की जुगली खाई थी बादशाह से अर्ज़ किया मुझे तो ऐसा लगता मालूम होता है कि वजे अजम ने बेवजह दुश्मनी मौका पार कर शहजादे को क़तल कर दिया यह सुनकर बादशाह ने वजर अजम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया सिपाही गए और वजे अजम और उसकी बीवी को पकड़ लाए <coughs> उस वक्त तक वजे अजम ने तरबूज को नहीं खाया था जब इस तरह रुमाल बांधा हुआ था इसी हालत में गिरफ्तार हो गया बादशाह ने देखा कि रुमाल से सुरख खून रहा है रुमाल खोल कर देखा तो बादशाह की नजरों से शरादी का सर नज़र आया बादशाह अपने बेटे का सर देखकर रोने लगा और दिया कि रात भर वजी अजम को कैद में रखो सुबह इसको कतल कर देना वजी और उसकी बीवी जेल खाने में भेज दिए गए वजे अजम ने अपनी बीवी से दरियाफ़त किया कि ये बात अभी तक मालूम ना हो सकी कि हम पर यह नागहानी मुसीबत कैसे आ गई है कौन सा गुनाह हमसे ऐसा सरजद हुआ है जिसको जिसकी सजा भोक्त रहे हैं इस पर वजे अदम की बीवी बेगम ने लकड़ हारे का किस्सा मन उमन बयान किया और कहा कि मुझे इस नज़र का और हुक्म इमाम जाफ़र सदकाम का यकीन ना आया वजीर अजम ने अपनी बीवी से कहा इससे बढ़कर और ख़ता क्या होगी कि तू ने इमाम जाफर सदकाम के हुक्म को जुटलाया तोबा कर इमाम का फरमान दुरुस्त है अलगर दोनों रात को गरिया दराजी के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे सद के दिल से इस नियाद की नीयत भी की खुदा आलम ने इनकी दुआ कबूल कर ली और अला तोबा शजादे सिंह ने शिकार से वापस आकर बादशाह के कदम पोशी हासिल की बादशाह ने शजादी से जरायाफ़त किया ए नूरत चश्म तुम इतने अरसे तक कहाँ रहे अर्ज़ किया हज़ो शिकार न मिलने की वजह से मैंने बाग में क्याम किया था बादशाह ने शाजे को महल के अंदर जाने की इजाज़त दी और वजी अजम और उसकी बीवी को तलब किया और रुमार सर को भी तलब किया जिसमें बरा तरबूज शहजादे का सर नज़र आया था इस रुमाल को ख़ुद खोला और देखा कि इसमें तरबूज है बादशाह सख्त मोतजब हुआ और वज़ी अजम से दरियाफ्त किया कि क्या मामला है वजी अजम ने जो किस्सा अपनी बीवी से सुना था मनवान बयान कर दिया बादशाह ने सुनकर लकड़ हारा और उसकी बीवी को तलब किया और उससे हालात दरियाफ़त किए उन्होंने तमाम हालात बयान कर दिए जिसको सुनकर बादशाह भी के दिल से मान ले आया और वजी अजम को फिर अपने पर फायद कर दिया दे लाग दे लाग लाग और चुगल खोर वजीर को सज़ा देकर निकाल दिया अल्लाह तला से दुआ है जिस तरह लकड़हरे की मुश्किल आसान हुई इस तरह तामिन व मोमिनात मोमिनत

आमीन आमीन नमस्ते नमस्ते यो सब नमस्ते भाई या हुसैन चेर जो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं कबूल फरमा ला। तेरे बंदे हैं तेरे तुझे से मांगते हैं अल्लाह तेरे साथ देखना है सलाम भाई कोंड़ों का वास्ता है हमारे दिल

रोजाना रोजाना, रोजाना रहे है रोजाना पढ़ उसका जो जो यानी के क्या कहते हैं उसको देखिए दुनियावी फायदा तो हर एक को होता है दुनियावी फायदा तो हर एक को हो जाता है इस तरह की चीज ख्वाब में हो जाए ना ये बड़ा ही ये खुद एक मुआवजा है ठीक है ना और ये कुरान का मुआवजा है ये चीज है बिल्कुल ये बड़ी ये ये।, ये ये ऐसी चीज है कि ये ना तो किसी वजीफों से हो सकती ना नो, 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 ना किसी और चक्कर से, से कुछ नहीं होता ना ही कोशिश करने से ना कहीं कुछ नहीं वजीफों से तो मेरे अब्बा कहते थे, थे कुछ होता ही नहीं है मेरे अब्बा साहब बात वजीफों से क्या होता है कुछ भी नहीं होता ने बड़ी दफा कहा मेरे कहने से होता वो एक अलग चीज है वो एक अलग चीज है बट पढ़ने पढ़ाने की वजीफों से होता कुछ नहीं है हमें पता है वजीफों से हो रहा होता तो मैं यहाँ बैठा होता फिर कुछ और कर रहा होता ना वजीफों से कुछ नहीं होता ये चीज़ है कुरान पढ़ने से होता है कुरान पढ़ने से कुरान पढ़ने से, से होता है ये मुझे पक्का पता है तो क्योंकि मेरे अब्बा ने तमाम इबादात की जक़ात की सब कुछ किया कुरान भी पढ़ते थे ऑन एंड ऑफ लेकिन आखिर के जो उनके समझ लो कि 2001 से लेकर 2010 तक उन्होंने कोई दिन ऐसा नहीं है कि कुरान ना पढ़ाओ और हर 21 योम बाद खत्म दिलाते थे ठीक पूरा तीस पारा इक्कीस यौम में करके खत्म दिलाते थे अलमद के वजीफे के साथ ठीक और ये दो हजार दस तक करते रहे तो इसका मतलब कहीं तो कोई राज दे है दे ना उसका मतलब सारी लाइफ जो उन्होंने रिसर्च की सारी रिसर्च का एक्सट्रैक्ट ये निकला कि आखिर में उन्होंने सात दफा फिर भी पढ़ते थे या तीन दफा पढ़ते थे हलमद का वजीफा और अपने जो खानदानी वजायफ है हमारे वो अलग ढाई बजे उठ के छह बजे तक साढ़े तीन चार घंटे लगते हैं वो एक पक्की ड्यूटी है वो अलग और कुरान अलग पढ़ते थे और 21 यौम में आप सोचो कि तकरीबन एक पारा कुछ लाइन होती है रोजाना पढ़ने को क्योंकि तीस पारे हैं जी। तो कुछ लाइनें होंगी ना कि वो कवर करने तो 21 दिन में वो खत्म करते थे ठीक और अलमद के वजीफे और उसके साथ जो है 21वें योम जब वो पढ़ते थे तो उस दिन जो है हजार की पढ़ाई होती थी अलम शरीफ को हजार दफा पढ़ना होता है और मेरी कल से जो है सात की पढ़ाई कल सात है परसों हजार है और फिर उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन जो है मेरी आठ सौ की पढ़ाई है और बड़ी मेहरबानी होगी तंग ना करें कोई मुझे। <laughs> फोन के ऊपर ना होता है ना कि बात करने के लिए क्योंकि पढ़ाई बहुत लंबी है तकरीबन पौने तीन साढ़े तीन तकरीबन कभी कभार अगर मलायका कम हो तो पौने तीन घंटे वरना तकरीबन जो है ना क्या कहते हैं यू टॉकिंग अबाउट मोर देन फोर आवर्स रखते हैं ये आप तो, लगते हैं ना। मुझे लगते शुरू तो पूरी नहीं, नहीं, दे। हाँ, तो तो जमाना तो तो खत्म हो जाए <laughs> हजार ये चीज है ना तो मलाइका कम हो मतलब फिर वो मलाइका कम होते हैं तो क्या कहते हैं उसको आपको नजर कम आता है नजर कम आएगा तो फिर वजीफे में ध्यान देगा वरना वो नजर ही में टाइम लग जाता है जब जो स्लो ट्रैफिक स्लो होती है हाँ। आपका आपका वाईफाई रूटर <laughs> जो है स्लो रहता है ट्रैफिक स्लो होती है जैसे हम जाते हैं तो ट्रैफिक नहीं होती ना मैं आधी दफा बात कर रहा था कि जैसे आज अब तक ट्रैफिक नहीं होती अब कल को जब ये शुरू हो जाएगी हाँ तो बहुत लगेगा कि पता नहीं ये लोग कहाँ पे आगे क्या हो गया कहाँ पे जब लॉकडाउन हाँ ये अभी आठ तारीख को इंशाल्लाह खुल रहा आ, तो ला ला है तेरह तारीख को भी सुना है कि तेरह अप्रैल को सब कुछ खुल रहा है सब कुछ रहे, रहे, खुल ही रहा है अल्लाह करे खुल जाए सही बात ये चीज है तो मलाइका का भी ऐसे की जब ज्यादा हो तो जाहिर बात है फिर डिपेंड मलाइका के आने पे डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत पे नहीं आते वो चीज़ ये कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि इम्पोर्टेंट डेज में आते हैं जैसे कि जो ताकि आते हैं जी। उसके अंदर बड़ी जो है ना चहल पहल होती है मलाइका की शबरात आ रही है क्या बात ये इसमें बड़ी होती है शब महराज पे होती है जी, और क्या कहते हैं जैसे आज बाईस रजब है आज बहुत चहल पहल थी यानी कि इतनी चहल पहल थी घर में आज बच्चे आए हुए थे उसके बीच में मैं पढ़ रहा था तो मुझे खुली आंख से रोशनी के अंदर दिखाई दे रहा था तो वो चहल पहल बहुत है ना यानी कि वो हर हालत में दिखा रहे हैं वो चहल पहल बहुत होती है अच्छा मलाइका आने का मतलब ये कि दुआ कबूलियत का टाइम है ठीक दुआ कबूलियत का टाइम है ये चीज है दस मुहर्रम खाली होता है लोग समझते हैं कि मलाइका आते हैं नहीं।, नहीं।, नहीं दस मुहर्रम को आसमानों में दिखाया जाता है वाक्य दस मुहर्रम को सब तो जो, जो यहाँ से वो भी ऊपर वो भी ऊपर जाते हैं ठीक सिर्फ जो है ना जो हिसाब किताब वाले होते हैं ना जो क्या कहते हैं पे बैठे हुए हैं और जो जरूरी ड्यूटियों पे मंसूब है वो रहते हैं वरना दस मुहर्रम खाली होता है

और लोगों ने स्टोरियाँ बना रखी थी कि वो जाके क्यों इबादत कुछ भी नहीं करते थे वो अकेले बैठे हुए जुलूस देख लिया टीवी पे क्रिकेट पे, पे कुछ कर लिया या कुछ भी म्यूजिक सुनते नहीं है तो बस वो इस तरह के काम करते थे बस कुरान पढ़ लेते थे बस बड़े था। था। था नहीं क्या म्यूजिक

चैट आप... वालों को सलाम करते हैं सब आपका बड़ा इंतजार कर रहे हैं खास तौर पे देने वाली सरकार तो कह रहा है मैं बैठ कर लूँ <laughs> मुझे दिखाएं ये ये मैं देख का... नहीं सकते इसको अच्छा? देखने का व्यू अच्छा नहीं, अच्छा? <laughs> नहीं कराची होता है इसका सुनता हूँ ना तो दो तीन नाम है जो आप ज्यादा वो चीज ये जितना करीब होगा उतना ये चीज है

<laughs> पूछा करते हैं ऐसी तो वो पूछे मुझे कोई पूछे ना मैं काम पूछता फिर नहीं मैं पूछूंगा ना आप पूछा आप पूछा आप पूछा आप पूछा लेकिन ठीक ठाक है एवरीथिंग इज गुड 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 देखे मसला ये है कि ये दर जो है ना ये जाना जाता है जरूरत के तहत याद करने को बिल्कुल ठीक है ना आने वाले को शहजाद भाई एक बात तो पता चल गई जब कोई कहता है कि हुक्म करके देखो हम यून ना, 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 दावे ना ना करो। <laughs> दावे नावे का कोई काम नहीं है डर जाना जाता है काम निकालो निकाल लो बहुत सादी शादी कराची के अल्फाजों में कि काम निकालो निकल लो टिकना है टिको नहीं टिकना मत टिको अब तो ये पॉलिसी बन गई है ना पहले फर्स्ट इट वाज जस्ट इन दी एयर अब ये पॉलिसी आओ वजीफा लो काम निकल गया आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते बिल्कुल हम तो कहीं नहीं जाते हम दरवेश है ठीक है ना हम तो रास्ता भटक के इस जगह आके बैठ गए ठीक, <laughs> ठीक है ना कहते हैं कि रोटी तंदूर की अच्छी साफ ठीक हाँ दोस्ती दूर की अच्छी रोटी तंदूर की अच्छी तलत भाई को एक नुकता बताना पड़ेगा माइक्रोफोन इस्तेमाल करने का अगर आपको अपनी आवाज हेडफोन में कम आए ना तो माइक्रोफोन में नहीं बोल रहे अच्छा हाँ, अब ये। हाँ, ये। अब ये मेरे को गलती नदीम भाई ने टेक्निक समझाई अच्छा बाद में मैंने रिसर्च की तो पता चला कि जो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ ना और मैं ऐसे हो जाऊंगा मुझे पता चल जाएगा मेरी आवाज कम हो गई हाँ, है ये टेक्निक है टू टॉक इन टू अ

आज खाऊंगा। ने बनाई है और ने बनाई है और फिर ये कि जो गाइडेंस हुई है ना उस हिसाब से मैं पूरा कोंडा खा जाऊंगा कोंडा खा पूरा कोंडा खा जाऊंगा ये चीज जो कुछ होना होगा आज हो ही जाए क्या न, होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता न, कुछ नहीं कुछ नहीं होता और अगर कुछ हो भी गया तो है। है तो, ना भी है ना, ना भी सम्दाल तो हमारा यकीन का पैमाना डिफरेंट है ठीक है जो होगा देखा जाएगा लोग इस चक्कर में करते हैं की वो संभाल लेंगे हम इस चक्कर में नहीं करते वो संभालेंगे हम इस वजह से करते हैं हमारा यकीन नहीं है और हमारे जद भी ये करते रहे तो हम ये ना करें तो फिर कैसे होगा आप खाओगे कि नहीं खाओगे ये नहीं खाएंगे ऊपर आज <laughs> आज इनको दौड़ाएंगे ऊपर नीचे एक, एक एक, एक गिलास <laughs> तीन 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 नौ बारह अठारह अठारह दफा ऊपर नीचे ये एक एक चीज लेके जानी है क्योंकि तो नहीं, नहीं वो चीज़ ये <laughs> है ए, ये देखना है, पैमाना का इसे है कि तलत भाई आप नहीं आ सकते भाई। मैं <laughs> नहीं मैं इतना नहीं कर सकता चले ठीक है लव यू ब्लेस यू ऑल जितने लोग चैट में चैट मेरी यहाँ चल रही है नोडोर वाली बाजी रानी रानी से लेकर अजहर उद्दीन एंड सही बख्श और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे कारपेट वाली बाजी ज्यादती ना हो जाए कहीं आज ही ना और तलत भाई आपका थैंक यू वेरी मच तहे दिल से शुक्र गुजार है ठीक है ना डोनट आपके नीचे रखे हैं ले ने लेके दिए हैं और आपके भी रखे हैं ये चीज है वो कराची वाला बंदा उसका नाम मुझे बड़ा पसंद है वो आता होता नहीं 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 कराची वाला नहीं पिंडी अमेरिका

ये हो ही नहीं सकता कि हलीमा और फातिमा बिल्कुल इट्स अ वेरी यानी कि क्या कहते हैं उसको लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ नेम ये है नाम रखने वाले लेकिन क्या ये माया रख दो जोया रख दो है ना आ, आलिया रख आलिया रख दो है ना कि वो अब मैं क्या बोलूं यार कि ड्रामों में आ जाए यार मैं तो कोई नाम नहीं बोलता वाइफ देख रही होगी कहती तुम्हें ये नाम कहाँ से याद आ गया तो लेने के देने में अब मैं कुछ बोल नहीं नहीं प्लीज <laughs> <था। laughs> आओ तो आओ तो बिल्कुल चुप रहे हैं <laughs> ये भी मेरी गलती है ये मैं मैं बिल्कुल सिलेंडर हूँ जनाब ये सोच रहे हैं ये ये मेरा ये कुंडे तो है ये मेरा, मेरा करवाएंगे बाकी अगर ये बात चल रही है ना मैं दस चक्कर और लगा लूँगा लाई भी रहते <laughs> तो मेरी तरफ से खुदा पे क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आपकी तरफ से होगी ठीक है बाकी तलब भाई मेरी तरफ से सब देखने वालों को अल्लाह ताला आपको सब खुश रखे और नेक खाशात खाश पूरी करे और मेरी तरफ से सबको वालेकुम और मेरी तरफ से भी सबको अल्लाह हाफिज जाते-जाते तलब भाई मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप आपका आपके शुक्रिया, प्यार का मुझे लेके आए हो आने का नहीं, नहीं अपनी आपकी अपनी जगह आपकी अपनी जगह लेके जाना भी और अगर हमारे मैं यानी कि ये दुआ कह लूं उसको कि अगर करने का आने में ऊपर नीचे कहने सुनने में कोई क्योंकि वहां पे गलती नहीं होती गुस्ताखी हो जाती है तो अल्लाह ताला हमें तेफ़ माफ कर माफ जो देख रहे हैं उनसे भी कोई सोच में गुस्ताखी आ गई अल्लाह ताला माफ़ आगे इसी के साथ जो है हम आ, सब इजाजत चाहेंगे और जाते हुए कुंडो से रिलेटेड कोई भी सवाल कुछ हों, वो ऑलरेडी पोस्ट सिस्टर ज़ायरा ने एडमिन ने इस्लामिक सूफी वज़ाय फेसबुक ग्रुप पे डाल दिया कि इसके बाद इसका क्या करना है अनाज का क्या करना है ये तलत भाई बता देंगे आप हर साल इसके साथ दस्तरखान उठा के क्या करते थे देखें बड़ा सिंपल सा है आ, ये विषय जैसे अब मैं ये उठा लेंगे सारा कुछ तो मैं सारा कुछ इकट्ठा कर लूंगा और इसी तरह मैं घर जाने से पहले इसे पानी में बहा दूंगा कोई भी नदी नहर हो वहाँ मछलियाँ जो भी है वो मैं उसे बहा दूंगा टिश्यू तो तक यहाँ के बिल्कुल के सब उसके अंदर जो कुछ इस चादर में आएगा वो पानी में जाएगा और कूडे जो है वो इनके घर जाएंगे बाजी पाक करके रख लेंगे खत्म तो बाकी ये करने वाला काम हम खुद कर लेंगे देखो ये कुंडा जो है ना ये बहुत खतरनाक चीज है ये मैं ये बता दू ये, ये कूडा कर देता है आदमी का जरा भी फर्क पड़ा ना जरूरत बराबर फर्क ये कूडा कर देता है आदमी को समझ में नहीं आता गलती कहाँ हो लेकिन हमें तो हम तो हम तो जाने जाते हैं कि पता लगाने को खराब हुआ नहीं तो बंद कूडा कूडा कर देता है अच्छे भलों का कूड़ा कर देता है और पता नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई है।, गलती कहा है और इतनी जबरदस्त गलती आयमा की गलती इमामों की गलती ऐसी होती है कि ये अगर हो जाए तो आदमी उसी गलत के अंदर उसी बबल में रहता है कि ये सही है और उसी के अंदर जो है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा काम बिगाड़ा ये सबसे वर्स्ट है कि उसको एहसास तक नहीं होता कि वो गलत कर चुका है और उसका वो गलत मजीद गलत भी कर रहा है वो समझ रहा है सब सही है मगर कुंडे की गलती जो है ना ये चीजें ये हो गया बीबी पाक का मुआवजा हो गया कायनात का काजा जो पढ़ते इस तरह की चीजों में गलती की गुंजाइश तो, तो बड़ा पढ़ा ना ये इन्होंने तो हर जुमरात <laughs> पढ़ते थे बड़ी मुश्किलों से, से बंद कराया वो <laughs> बाकायदा उसकी इजाजत लेनी थी पढ़नी पड़ी थी बंद कराने को क्योंकि इन्होंने मन्नत ऐसी मानी हुई थी कि रोजाना पता नहीं हर हफ्ते हर महीने पढ़ते थे तो बड़ी मुश्किलों से बंद हुआ है वो सही ये चीज़ है ना क्योंकि ने बंद करा मैं ये भी बता दू हाँ, मैंने बंद करा कि अगर किसी और वजह से वो लेट हो जाए तो वो ऐसी पकड़ पकड़ते थे कि आप सोच नहीं सकते सिर्फ लेट हो लेट हो हो जाए तो लेट ना पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है अगर लेट हो जाए सही इसलिए कहते हैं ये ना कहें कि मैं इसी टाइम इसी दिन करूंगा मन्नत माने क्यों आदमी सिंपल सीधी सीधी मन्नत माने जो उसके हाथ में हो खीर पूरी आपके हाथ में ठीक है ना इस तरह की चीजें मान ले या ये सबसे बेहतरीन काम है वजीफा करके देख ले अभी तो वो वो भी तरीके बताऊंगा लोगों को समझाऊंगा कि भाई वजीफे करके देखो और पूछो ये काम होगा या नहीं होगा अभी तो ये ये गुरु तो देखा ही नहीं है ना किसी ने सही ये हाँ, नहीं पता ये, ये गुरु तो देखा ही नहीं अगर वो उससे काम नहीं होगा तो कोई और भी तरीका फिर आजमाएंगे तो वजीफों से आगे की भी तो दुनिया, दुनिया है ना दुनिया है। सितारों से आगे जहां हाँ, और भी भी है। नागे जहाँ के साथ हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज और आप लोगों से इनशा अब मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम शाह साहब की कल स्ट्रीम होगी लाइव नॉर्मल मैराथन होगा तो तब तक के लिए हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज टेक केयर बाय बाय